वेलकम बैक टू माय चैनल आयुर्वेदा एंड इन्फॉर्मेटिव चैनल है जिनो। मैं हूँ ममता और आज मैं आपके सामने लेकर आ गई हूँ प्याज। जी हाँ, और प्याज ऑनियन कुछ भी कहिए, लेकिन इसके इसके जो लाभ हैं, जी हाँ, जितनी खाने में और खाने को स्वाद बनाती है और खाने में आप लोग जैसे स्वाद लेकर इसे खाते हैं, उससे ज़्यादा इसके फायदे हैं। जी हाँ, ये औषधीय गुणों से भरपूर है, एक बेहतरीन औषधि भी है। कई बीमारियों में इसे रामबाण दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कमाल के फ़ायदों के बारे में जानते हैं। अगर आपको कब्ज़ है, जी हाँ, मौजूद प्याज से मौजूद जो हैं रेशे जो हैं पेट के लिए बेहद लाभप्रद होते हैं और प्याज खाने से कब्ज़ दूर हो जाती है। जी हाँ, और कच्चा प्याज खाने से कब्ज़ की शिकायत नहीं रहती। और रही बात लू लगने की, अगर आपको लू लग जाती है, जी हाँ, तो उसके लिए भी प्याज बहुत ही असरदार है। गर्मियों के मौसम में प्याज खाने से लू नहीं लगती और प्याज पर, जी हाँ, 2 चम्मच रस में पानी मिलाकर पीने से कुछ, या फिर इसकी पानी मिलाकर इसकी मालिश करने से इस रस के साथ में लू नहीं लगती। जी हाँ, आप प्याज का रस ले लें और उसके साथ कुछ पानी ऐड करके उससे अपने शरीर पर, हाथों पैरों पर, जहाँ भी हवा लगती है उस जगह पर मसाज करेंगे तो लू नहीं लगेगी। तो हमारे यहाँ घर के बड़े बुजुर्ग सदियों से इस तरह के उपचार को कर रहे हैं। लू के समय में, गर्मियों में प्याज भी रगड़ी जाती है। अधिकतर हम लोग देखते हैं कि जब किसी को लू लग जाती है तो प्याज भी हाथ पर, पैरों के तलवों पर रगड़ना शुरू कर देते हैं। दिल से संबंधित बीमारियों को लिए काफ़ी असरदार है और ये सारी बीमारियों को ख़त्म रखने की ताकत रखती है। कच्चा प्याज ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। इसमें मिथाइल सल्फाइड और अमीनो एसिड होता है, इसीलिए यह कोलेस्ट्रॉल को भी काबू में रखता है और दिल को बीमारियों से बचाता है। ये आपके लिए, हार्ट के लिए बहुत ही घरेलू और चमत्कारी औषधि साबित हो सकती है। अगर आप इसका रोज सेवन कर सकते हैं तो ना आपका बीपी हाई होगा, ना आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा और ना ही आपको हार्ट से रिलेटेड बीमारियां से आप बचे रहेंगे। ऐसी कोई बीमारियां होने की संभावना जो है आपकी ख़त्म हो जाएगी। यदि आपके बाल गिरने की समस्या से आप निजात पाना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये बहुत असरकारी है। गिरते हुए बालों के स्थान पर प्याज का रस रगड़ने से बाल गिरने बंद हो जाएंगे। इसके अलावा बालों का लेप करने से, जी हाँ, आप अगर बालों पर इसका लेप करते हैं तो काले बाल उगने शुरू हो जाते हैं। ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जिनमें जो है ये प्याज जो है बहुत ही फायदेमंद है। आप बाल को, प्याज को जो है, प्याज के रस को आप तेल में मिलाकर भी मसाज कर सकते हैं, जिससे आपके बाल झड़ने बंद हो जाएंगे, रूसी ख़त्म हो जाएगी। सबसे पहली बाल झड़ते हैं रूसी की वजह से। और अगर आप प्याज का, इसमें प्याज के साथ तेल के साथ मिलाकर लगाएं, जी हाँ, तो आपके बाल झड़ना भी बंद हो जाएंगे और नए बाल भी आ जाएंगे। आपके गले में खराश हो गई है तो आप खराश मिटाने के लिए भी प्याज का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप सर्दी, कफ, खराश से पीड़ित हैं तो ताज़े प्याज का रस पीजिए। इसमें गुड़ या शहद मिलाकर पीना अधिक लाभप्रद हो सकता है। खाने से आप बहुत सी शारीरिक बीमारियों से बचे रह सकते हैं। प्याज खाने से कई शारीरिक बीमारियां नहीं होती, इसके अलावा प्याज कई बीमारियों को दूर भगाता है। इसलिए यह कहा जाता है कि प्याज खाने से उम्र बढ़ती है, क्योंकि इसके सेवन से कोई बीमारी नहीं होती और शरीर स्वस्थ रहता है। अगर आप डायबिटिक हैं तो आप डायबिटीज़ को भी कंट्रोल कर सकते हैं। रोज़ाना खाने में अगर प्याज शामिल कर सकते हैं आप, तो इससे इंसुलिन पैदा होगा। यदि आप डायबिटिक हैं तो इसे खाने के साथ रोज़ सलाद के रूप में खाएं। इससे आपको जो है, आपका डायबिटीज़ कंट्रोल में रहेगा और आपके ब्लड में खुद ही इंसुलिन पैदा हो जाएगा, जिससे आपको इस तरह की परेशानी नहीं होगी और आपका शुगर कंट्रोल में रहे। हरा प्याज भी खाते हैं तो उसके भी बहुत ही फायदे हैं, वो भी कोलेस्ट्रॉल को कम करने के काम आता है और यह कोलेस्ट्रॉल के स्तर को इस तरह कम बनाए रखता है। इसमें एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं और एंटी बैक्टीरियल गुण होने के कारण इसे खाने से पाचन शक्ति में भी सुधार आता है। हरे प्याज में क्रोमियम होता है जो आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने नहीं देता और आप जो है, आपका शुगर लेवल जो है हमेशा कंट्रोल में रहता है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहता है। आप अपने बालों का गंजापन दूर कर सकते हैं, आप गले की खराश को भी मिटा सकते हैं, आप शरीर के अन्य भाग को क्षति पहुंचने से बचा सकते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम एलियम सेपा है। प्याज के सब्जियों में से एक है जिसकी एलियम क्षेत्र में सबसे ज़्यादा खेती की जाती है। इसे भारत में कई नामों से जाना जाता है, हिंदी में
पायजोर, कांदा, डोंगरी, तेलुगु में उल्ली पायलू और गदालू, तमिल में वैगम, मलयालम में सवाना, कन्नड़ में उलिगा दे दे और अरुली, निरुली, बंगाली, पंजाबी और भी बहुत अन्य भाषाओं में इसके अमुख अमुख नाम। प्याज में कई एंटी ऑक्सीडेंट यौगिक होते हैं जो मानव शरीर में मौजूद मुक्त कणों को निष्क्रिय करने में बहुत ही प्रभावी होते हैं। प्याज औषधीय प्रयोजनों के लिए मनुष्य के द्वारा कई सदियों से इस्तेमाल किया जाता रहा है। 7,000 से अधिक वर्षों से प्याज मनुष्यों के प्रमुख आहार में से एक है। प्याज विश्व स्तर पर विकसित और खेती वाले पौधे में से एक है। इतिहास के दौरान कुछ संस्कृति जैसे मिस्र आदि में प्याज का उपयोग पूजा करने के लिए भी किया जाता है। ज़्यादा आप प्याज को जो है प्राचीन काल में उपचार के लिए मात्र उपयोग करते थे। यहाँ तक कि विश्व संगठन के पुष्टि की गई है कि प्याज भूख कम लगने और एस्थेरोस्क्लेरोसिस से पीड़ित लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि प्याज से पुराने अस्थमा, एलर्जी, ब्रोंकाइटिस, आम सर्दी से संबंधित खांसी, कफ सिंड्रोम वाले रोगियों के लिए बहुत ही अच्छा इलाज होता है। इसमें बहुत ज़्यादा मूल्यवान यौगिक गुण पाए जाते हैं। कई पोषक तत्व हैं, विटामिन है, खनिज है, ऑर्गेनिक है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, सेलेनियम है, फास्फोरस जैसे खनिज के साथ साथ विटामिन सी, विटामिन B6, फाइबर एक अच्छा स्रोत भी है। जी हाँ, प्याज में थियोसल्फिनेट्स और थियोसल्फोनेट्स होते हैं जो दांतों को खराब करने वाले बैक्टीरिया को कम करने में मदद करते हैं। प्याज को कच्चा खाना सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि पकाने के बाद इसमें मौजूद कुछ फायदेमंद यौगिक जो है नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए कोशिश करें कि प्याज को कच्चा खाएं क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है जो दांतों के लिए बहुत ही मददगार साबित होता है। माना जाता है कि प्याज में पाए जाने वाले तत्व दांतों के दर्द से छुटकारा दिलाते हैं। हालांकि इस पर अभी ज़्यादा रिसर्च चल रही है और प्याज का उपयोग अक्सर दांतों के क्षय, मुंह में संक्रमण रोकने के लिए भी किया जाता है। कच्चे प्याज को 2 से 3 मिनट चबाने पर मुंह के क्षेत्र के साथ साथ गले और होंठ के आसपास के स्थान के मौजूद रोगाणुओं को संभावित रूप से नष्ट किया जा सकता है। बहुत अधिक मात्रा में फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो शरीर के अंदर विटामिन सी को बढ़ाने का काम करते हैं। हमारे शरीर की रक्षा तंत्र और हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को स्वस्थ और बेटर बनाते हैं। इसके बैक्टीरिया, कवक और वायरस संक्रमण के कारण होने वाली बीमारियों को बचाते हैं। इसका सेवन कर रहे होते हुए तो आपके शरीर में जो है विटामिन सी की मात्रा बढ़ जाती है जिसके कारण आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत हो जाती है, क्योंकि विटामिन सी आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को विषाक्त पदार्थों और विभिन्न प्रकार के बाहरी हानिकारक तत्वों से बचाता है। ये विषाक्त पदार्थ बाहरी हानिकारक तत्व बीमारी का कारण बन सकते हैं। प्याज एक बहुत ही मजबूत प्रतिरक्षा बनाने का मदद करती है। किसी कीड़े ने काट लिया है या मधुमक्खी का डंक लग गया है और आप दर्द वाले स्थान पर प्याज का रगड़ कर उपयोग कर सकते हैं, या फिर इसका रस निकाल कर भी या उसका पेस्ट बनाकर भी रख सकते हैं। बिच्छू के डंक मारने पर भी आप इसका पेस्ट बनाकर लगा सकते हैं। प्याज की गंध कीड़े को भगाने में मदद करती है। प्रकार के यौगिक से समृद्ध होता है जो कैंसर कोशिकाओं के विकास को और प्रसार को सफलतापूर्वक रोकता है। जी हाँ, क्वेरसेंटी एक बहुत ही शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट यौगिक है जो कैंसर के प्रसार की रोकथाम के लिए माना जाता है। प्याज में एक महत्वपूर्ण मात्रा में क्वेरसेंटी होता है जो विटामिन सी भी एक बहुत मजबूत एंटीऑक्सीडेंट है जिससे शरीर के मुक्त कणों की मौजूदगी के प्रभाव को कम किया जा सकता है। मुक्त कण सेलुलर चयापचय और रासायनिक उप उत्पाद को और वो कैंसर की कोशिकाओं को स्वस्थ कोशिकाओं में बदल कर उसे ठीक कर सकते हैं। इसीलिए एंटीऑक्सीडेंट से संबंध कोई भी खाद्य पदार्थ हर किसी के लिए फायदेमंद होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति जी हाँ प्रत्येक व्यक्ति ऑक्सीडेटिव तनाव के कारण इस आंतरिक हमले के लिए अति संवेदनशील होता है। इसीलिए एंटीऑक्सीडेंट युक्त खाद्य पदार्थ इन मुक्त कणों को बेअसर करते हैं। आज के रस की कुछ बूंदें कान में दर्द वाले रोगी के लिए बेहद ही फायदेमंद साबित हो सकती है। इसीलिए इसे रुई के एक टुकड़े के माध्यम से कान में हो रही सनसनाहट को दूर करने के लिए प्याज के रस का उपयोग किया जा सकता है। इसके उपाय के लिए कान में दर्द से राहत मिलती है। इसके मुताबिक कान की बीमारियों के लिए प्याज इस्तेमाल करते हैं। उनका मानना है कि प्याज का रस कान में डालने से दर्द से राहत
विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई पाया जाता है। ये सभी विटामिन हमारी त्वचा के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। ये सभी विटामिन युक्त कणों के कारण त्वचा की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को रोकते हैं। और प्याज एक शक्तिशाली एंटीसेप्टिक भी है, इसीलिए यह त्वचा को एंटीबैक्टीरिया से बचाता है। प्याज में विटामिन सी पाया जाता है, शायद आपको पता ना हो, विटामिन सी का सेवन त्वचा को निखारने में काफ़ी मदद करता है। बहुत सारे फायदे हैं, मैं जल्दी ही इसके ऊपर एक और वीडियो लेकर आऊँगी। मेरी वीडियो को पूरा अवश्य देखें, शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना।